हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ एस वी दुबे। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर। सो ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स, लेसन वन, द बॉय एंड द रोवर्स। सो ऑल स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस लेसन्स एंड लिसन दिस स्टोरी। In Persia, when Cyrus the Great was the king, Persia में जब Cyrus एक महान राजा था, boys were taught to tell the truth, तो लड़कों को सच्चाई की शिक्षा दिया जाता था। This was one of their first lesson at home and at school. यह घरों पे और स्कूलों में यह पहला लेसन होता था जिसके बारे में बच्चों को सिखाया जाता था। नन बट अ कावर्ड विल टेल अ फॉल्सहुड, सेड द फादर ऑफ एंग वोटिंग्स। छोटे वोटिंग्स के पिता ने कहा, कोई नहीं लेकिन एक डरपोक झूठ बोलेगा इन दिनों। ट्रूथ इज ब्यूटीफुल, सत्य सुंदर है या सच्चाई सुंदर है। ऑलवेज लव इट, सदैव इसे प्रेम करना चाहिए, सैड हिज मदर, उसकी माता ने कहा। When Otis was 12 years old, जब Otis 12 years का था, his parents wished to send him to study in a famous school in a distant city. जब Otis 12 years का था तो उसके parents दूर शहर में एक प्रसिद्ध स्कूल में उसे पढ़ाने की कामना किए या कामना चाहते थे। इट वुड बी अ लॉन्ग जर्नी एंड अ डेंजर वन, और वहां जाने के लिए एक लंबी यात्रा और खतरनाक, डेंजरस वन, खतरनाक था। यानी वहां पहुंचने के लिए आपको लंबी यात्रा करना था और वो लंबी यात्रा खतरनाक था। सो इट वॉज अरेंज दैट द बॉय शुड ट्रेवल विथ अ स्मॉल कंपनी ऑफ मर्चेंट। सो इसलिए उसके माता पिता ने उसके साथ एक छोटा व्यापारियों का समूह भेजना चाहते थे। हु वेयर गोइंग टू सेम प्लेस, जो उसी प्लेस पे जा रहे थे। तो उसके माता पिता एक स्मॉल व्यापारियों के समूह के साथ उसे भेजना चाहते थे जो कि उसी प्लेस पे जा रहे थे। गुड बाय, अलविदा ओटिंस, बी ऑलवेज ब्रेव एंड ट्रूथफुल, सदैव बहादुर और सच्चाई, ट्रूथफुल, ईमानदार होना चाहिए या ईमानदार रहना चाहिए, सेड हिज फादर, उसके पिता ने कहा। फेयरवेल माई चाइल्ड, विदाई के समय, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, लव दैट विच इज ब्यूटीफुल, लव जो होता है, प्यार जो होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, डिस्पाइस दैट विच इज बेस, और जिसका आधार होता है, घृणा जो क्या होता है, जब कोई किसी से घृणा करेगा तो वहीं से ही ईमानदारी की भी उत्पत्ति होती है। सो डिस्पाइस
डिस्पाइज दैट विच इज बेस, सैड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा। द लिटिल कंपनी बिगेन इट्स लॉन्ग जर्नी। द लिटिल कंपनी, जो छोटी कंपनी थी उन्होंने अपना यात्रा प्रारंभ किया। सम ऑफ द मैन रोड ऑन कैमल्स, सम ऑन हॉर्सेस, उसमें से कुछ यात्री रोड से जा रहे थे, कुछ कैमल से और कुछ घोड़ों से जा रहे थे। दे वेंट बट स्लोली, लेकिन दे वेंट वी दे मीन्स वे वेंट मीन्स गए, बट स्लोली वे जा रहे थे, वे चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चल रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे। ऑफ द सन वॉज हॉट एंड वे वॉज रफ। ऑफ द सन वॉज हॉट, सूर्य बहुत गर्म था, या कह सकते हैं कि बहुत गर्मी थी। एंड द वे वॉज रफ, और रास्ते उबड़ खाबड़ थे। रफ मीन्स होता है उबड़ खाबड़। सडनली अचानक, टूवर्ड्स इवनिंग अ बैंड ऑफ रोवर्स स्वीप्ड डाउन। अचानक शाम के समय डाकुओं का एक समूह स्वीप्ड डाउन अपान दे उनके ऊपर। स्वीप्ड मीन्स उनके ऊपर अटैक कर दिए या उनके ऊपर टूट पड़े। द मर्चेंट वेयर नॉट फाइटिंग मैन, जो व्यापारी थे वे लड़ाई करने वाले व्यक्ति नहीं थे। दे कुड डू नथिंग, वे कुछ नहीं कर सकते थे। बट गिव अप ऑल देयर गुड्स एंड मनी, यानी वे अपने सारे सामान और पैसों के देने के सिवा वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो आप इस बुक को रीडिंग करेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम जो इसका पार्ट बचा है वो आपको बताया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।